सोहना में खड़ी फसलों पर जेसीबी चलाकर किसान की जमीन पर कब्जा करने और किसान परिवार के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने भले ही भाजपा के पूर्व विधायक तेजपाल तंवर के दो बेटों सहित 80 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया हो, लेकिन पीड़ित पक्ष पुलिस की कार्रवाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। पीड़ित परिवार के समर्थन में आज कस्बे के मौजिस लोगों की पंचायत बुलाई गई, जिसमें पूर्व विधायक के बेटों की दबंगई के खिलाफ आवाज बुलंद की गई और साथ ही पंचायत में आगामी कार्यवाही के लिए 31 लोगों की एक कमेटी का भी गठन किया गया है, जो पहले मौजूदा विधायक कंवर संजय सिंह से मिलेगी और उसके बाद आगामी रूपरेखा तैयार की जाएगी। आज की जो पंचायत हुई थी, जो कल हमारे सैनी समाज के कुछ बंधुओं के साथ में कुछ लोगों ने लड़ाई झगड़ा करा, उसके लिए एक शहर की एक पंचायत बुलाई गई। उस पंचायत में एक निर्णय लिया गया कि भाई जो ये बहु बेटियों पर, बालक बच्चों पर जो लाठी डंडों से वार किया गया, इसकी पूरे शहर ने, पूरे पंचों ने उसकी निंदा की और एक पूरे शहर की एक सर्व जातीय कमेटी बनाई गई 31 आदमियों की, जो कि प्रेजेंट हमारे जो संजय सिंह विधायक सोना से वो कमेटी मिलेगी और उसके बाद में जो निर्णय होगा कमेटी का, उसके बाद में पूर्व विधायक से बात की जाएगी। देखिए जो पुलिस ने कार्रवाई करी है उससे हमारे सैनी समाज के बंधु संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि उनको चोटें लगी हुई हैं, जो चोटों के हिसाब से तो कम से कम मेडिकल जो कटा है, कम से कम उनके हिसाब से तो उन पर लेडीजों के लिए क्या धारा लगाई है, जो लेडीजों पर इन्होंने बदतमीजी करी है उसके हिसाब से उन पर धारा लगनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने पुलिस ने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ये कल दो पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ था प्लाट जमीन को विवाद को लेकर जी, तो उसमें पुलिस ने ज्ञान हासिल करके मुकदमा दर्ज कर दिया है और इस मुकदमे में हमें 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये 7-8 बाई नेम है और 60-70 ये बलुआ की धारा है 147, 148, 149, 323, 427, 427, 427 जी विधायक जी उनके परिवार से ही जी। हाँ नाम तो है, बाकी तफ्तीश जारी है, ये भी हमें देखना पड़ेगा पूर्ण रूप से बारीकी से तफ्तीश। पंचायत में पहुंचे लोगों का कहना है कि पूर्व भाजपा विधायक के बेटों ने दबंगई दिखाते हुए किसान जगदीश सैनी की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया है और विरोध करने पर उसके परिवार के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। हालांकि शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने पूर्व विधायक के दोनों बेटों और करीब 80 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसको लेकर पीड़ित पक्ष में नाराजगी देखी जा रही है। बता दें कि बीते दिनों सोहना के वार्ड नंबर 19 में जमीन कब्जाने को लेकर किसान परिवार के साथ मारपीट की गई थी। इस पूरे मामले में सोहना के पूर्व भाजपा विधायक तेजपाल तंवर के दो बेटों पर जमीन कब्जाने और मारपीट करने के आरोप लगे हैं। वैसे तो पुलिस ने करीब 80 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है, लेकिन पीड़ित पक्ष का कहना है कि पुलिस आरोपी पक्ष के खिलाफ हल्की धाराएं लगाकर मामले को निपटाने का प्रयास कर रही है, जिसको लेकर लोगों में रोष है। सोहना से सतीश राघव, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।